जब इंडियन एक्सप्रेस की मैंने सुबह रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद मैं भी भारत सरकार की उस वेबसाइट पर गया तो मैंने देखा कि ये 93 देशों की लिस्ट है जिनको 93 देशों की लिस्ट है जिनको भारत सरकार ने पिछले 3 महीने में वैक्सीन बेची है। भारत में बनी हुई, भारत के वैज्ञानिकों की खोजी हुई वैक्सीन हमने 93 देशों में बेच दी। 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हमने दूसरे देश के लोगों को भेज दी। थोड़ी सी और रिसर्च की, इंडियन एक्सप्रेस ने भी आज उसको रिपोर्ट किया है, मैंने भी थोड़ी और रिसर्च की, तो यह समझ में आता है कि इन 93 देशों में से 60% देश तो ऐसे हैं जहां कोरोना के हालत बिल्कुल खराब नहीं है, जहां कोरोना ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। 93 में से 88 देश ऐसे हैं जहां पर डेथ कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, वहां पर डेथ का इतना भयावह सामना नहीं कर रहे। मार्च से लेके, जब से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में आई है, मार्च से लेके और अब तक पूरे देश में, हमारे देश में 1,00,000 मृत्यु हो चुकी है, 1,00,000 लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन, जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं, 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके, इसलिए कि दुनिया में ये नाम हो सके कि भारत में इस समय एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है जो विदेशों को वैक्सीन दिए जा रही है। दो देश आपकी तारीफ करेंगे उनकी तारीफ सुनने के लिए, अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के 4 देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड योर कॉमेंट्स आर वैल्यूएबल एज वेल।